हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं हम ये वाले सॉक्स। लॉन्ग सॉक्स हैं ये देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं और छोटे बच्चों के लिए यही सॉक्स सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे इसकी हमने यहाँ पर एड़ी बनाई है, उसी तरह से सिंपल मेथड से ही इसका पंजा बना है। बनाने भी आसान है और पहनाने भी आसान है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। तो मैंने बहुत ही इजी मेथड से बताने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे, ये मैंने इस तरह से एक पैटर्न जैसा तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं 36। यहाँ पर 36 फंदे डालने के बाद ये मैंने 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई इसमें मैंने उल्टी उल्टी की है। आप चाहे किसी भी तरह का बॉर्डर बना लीजिए, एक सीधा ये या एक उल्टे का। यहाँ पर ये मैंने उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाया, उसके बाद ये मैंने प्लेन बुना है। देखिए बिल्कुल प्लेन इस तरह से बनाया है। अगर हम इसको इंची टेप से नापेंगे तो हमने ये बनाया बना लिया है 3.5 इंच। 3.5 इंच आप इस तरह से बिल्कुल प्लेन बना लीजिए। और अब इस टाइम है हम अपनी उल्टी साइड पर, क्योंकि अब सबसे पहले हम जाली डालेंगे जिसमें हम डोरी बनाएंगे सॉक्स के लिए। एक फंदा ऐसे बिना बुना लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। पूरी सिलाई हमें ये इसी तरह से करनी है, दो फंदों का एक करना है इस तरह से। दो फंदों का एक करेंगे हम पूरी ही सिलाई में इसमें। लास्ट में हमारा ये एक फंदा है, इसको हम ऐसे ही सिंगल बना लेंगे। तो आप देखेंगे ये इस तरह से, ये हमारे एक एक फंदा यहाँ पर इस तरह से ये घट गया है। अब इस साइड से हमारी जाली बनेंगी, जिससे ये हमारे फंदे जितने थे उतने ही हो जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन आगे, ये फंदा सीधा। तो इससे ये एक एक फंदा हमारा बढ़ता भी जा रहा है और साथ ही ये हमारी जाली बन जाएगी। ऊन आगे, ये बस पूरी ही सिलाई ये भी हमें इसी तरह से करनी है। देखिए इस तरह से ये हमारी जाली बन गई है। अब हम यहाँ पर ये उल्टी सिलाई पर है, तो ये पूरी ही उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी कर लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हो गई है और ये हमारी जाली भी बिल्कुल क्लियर शो होने लगी है। अब बनाएंगे हम इसमें एड़ी वाला पोर्शन, लेकिन उससे पहले हम एक सीधी और एक उल्टी, दो सिलाई इसमें कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें एड़ी और पंजा बनाएंगे। तो ये एक सीधी पूरी और एक उल्टी, ये दो सिलाई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें हम एड़ी किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने दो सिलाई कर ली है इस तरह से। अब हम इसमें एड़ी बनाएंगे, तो ये हमारे 36 फंदे हैं, तो हम इसके हाफ फंदे बुनेंगे, यानी कि 18 फंदे बुनेंगे हम इसके। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 18 फंदे बना लिए हैं। अब हम इसको आगे नहीं बनाएंगे, पहले इन्हीं 18 फंदों में हम अपनी एड़ी बनाएंगे इस तरह से। अब ये जब हम उल्टी सिलाई स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये हम दो का एक करेंगे इस तरह से। और पूरी ये सिलाई भी हम इसी तरह से पूरे फंदों को उल्टा बुनेंगे, सिर्फ हम स्टार्ट करते हुए ही एक फंदा घटाएंगे। तो इन फंदों को हम एज इट इज बना लेते हैं। इस तरह से अब हमें इन्हीं फंदों को बुनना है।
यहाँ से भी जब हम सिलाई को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें इस टाइम भी हम दो का एक करेंगे, यानी कि इस तरह से दो फंदे हमारे यहाँ घट चुके हैं दोनों साइड। फिर इन फंदों को इसी तरह से बुनेंगे। इसी तरह से ये हमारी सिलाई ओवर होती है। जब हम ये उल्टी सिलाई शुरू कर रहे हैं तो इस टाइम भी हम दो का एक करेंगे। तीन फंदे हमारे घट गए हैं, तीसरी सिलाई है ये हमारी। इस तरह से बुन लिया। फिर यहां पर हम एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से हमें चार फंदे इधर घटाने हैं और चार ही फंदे इधर घटाने हैं। देखिए फ्रेंड, चार फंदे हमने इधर घटा लिए हैं और चार फंदे हमने अपने इधर घटा लिए हैं। अब आगे हमें कैसे बुनना है, देखिए ये सिलाई हम इसी तरह से करेंगे। देखिए ये सिलाई यहाँ पर हमारी इस वाले फंदे के साथ पूरी होती है। तो ये वाले जो हमने चार फंदे घटाए थे, हमें इन्हें उठाना भी है। देखिए एक फंदा हमारा यहाँ है, दो तीन चार, तो ये वाला जो हमारा ये फंदा है तो हम इस वाले को उठाएंगे। वैसे आप कोई सा भी फंदा उठा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जो हमारा फंदा घटा हुआ है इसी फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इसको बुन देंगे। मतलब वापस से ये हमें अपने फंदे 18 करने हैं। एट फंदों को वापस से हमें इन्हें बढ़ा लेना है। देखिए इस तरह से कर लिया। अब ये वाला फंदा हमने यहाँ पर घटाया था, तो इस वाले फंदे को हम इस सिलाई में इस तरह से ले लेंगे और हम इसको बुनेंगे। उसके बाद ये वाली सिलाई इसी तरह से बुन लेंगे। मतलब हमें अपने ये फंदे पूरे कर लेने हैं, जितने भी ये हमारे फंदे थे 18 फंदे थे, 8 फंदे को हमने घटाया, तो 8 ही फंदों को हमें बढ़ाना है। आप वैसे तो कहीं से भी उठा के बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो फंदा घटाया है उसे ही उठाएंगे तो फिनिशिंग ज्यादा आएगी। ये देखिए ये वाला फंदा हमारा यहाँ का घटा हुआ है ये, तो इसी फंदे को यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर बुन लेंगे। फिर इस तरह से ये सिलाई करेंगे तो हम ये पूरे ही पहले 18 फंदे कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये हमारी एड़ी बन गई है। हमने यहाँ पर से इस तरह से ये फंदे उठाए हैं। एक फंदा हमारा भी और उठेगा। यहाँ से एक फंदा हम और उठाएंगे इस तरह से, और अब इन फंदों को भी हम साथ में लेके ही बुनेंगे। ये देखिए ये सीधी सिलाई बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से उल्टी सिलाई बुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो सिलाई बना ली है। इसी तरह से ये हमें बुनना है 2 से 2.5 इंच। 2 से 2.5 इंच बनाकर हम इसे तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसमें पंजा बनाएंगे। तो आइए पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम पंजा कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इतना ये बना लिया है मैंने। पहले हमने यहाँ पर इस तरह से बस दो ही सिलाई की थी, उसके बाद ये इतना बुना है। मैं इंची टेप से बता देती हूँ, क्योंकि अगर सिलाइयाँ बताऊंगी तो कई बार ऊन हमारी मोटी पतली होती है तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये हमने 2 इंच बुना है। यहाँ से ये हमने एड़ी को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमने इसको 2 इंच बुना है। आप 2 से 2.5 इंच बुन लीजिए,
पंजा बनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एड़ी हमने इन फंदों में बनाई है तो पंजा हमें इन फंदों में बनाना है, यानी कि यहाँ के 18 फंदों में हमने ये एड़ी बनाई है और बाद के 18 फंदों में हम पंजा बनाएंगे। मेथड हमारा सेम रहेगा जैसे हमने एड़ी बनाई है। तो आइए देखिए कैसे बनाना है हमें। देखिए पहले हम यहाँ पर ये 18 फंदों को अलग कर देते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ पर 18 फंदे हैं, इन फंदों में हम पंजा बनाएंगे। तो पंजा बनाने का भी सेम मेथड है कि हमें यहाँ पर शुरू में भी एक फंदा घटाना है जब हम सिलाई शुरू कर रहे हैं, और फिर उधर से जब हम उल्टी सिलाई करेंगे तब फिर एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से हम 8 ही फंदे इसमें भी घटाएंगे और उसी तरह से उन 8 फंदों को हम फिर उठाकर बुनेंगे। अभी हम इसकी रॉन्ग साइड पर हैं, तो रॉन्ग साइड से भी हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। देखिए फिर हमारी इधर से ये सिलाई शुरू होती है, तो इधर से फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह से हमें 4-4 फंदे इसमें भी घटाने हैं दोनों साइड से, और फिर 4-4 फंदों को उठा के बुन भी लेना है। उसी तरह से फिर हमारा वो पंजा तैयार हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं ये घटा देती हूँ। तो देखिए ये 4-4 फंदे हमने यहाँ पर दोनों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से घटा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर घटाए हुए फंदे हैं, हमें इस बार भी इसी तरह से इन्हीं जगहों में से ये फंदे उठा के और इन्हें हमें बुन लेना है। तो ये जो हमारे 18 फंदों को हमने 8 फंदे घटा दिए थे, फिर से वापस हमें ये इसी तरह से उठा के 18 फंदे कर देने हैं, तो हमारा पंजा बनकर तैयार हो जाएगा। घटाया हमने सिलाई शुरू करते हुए था, और ये जो हम उठा रहे हैं तो ये हम सिलाई को एंड करते हुए इस तरह से इस फंदे को उठा लेंगे। देखिए फ्रेंड जैसे यहाँ पर ये हमारी एड़ी बनी है, इसी तरह से हमारा ये यहाँ पर पंजा बन गया है इस तरह से। अभी यहाँ पर हम ये देखिए, अभी यहाँ पर ये हम एक सीधी सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। देखिए ये सीधी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम कंधे बंद करते हैं, यानी कि पहले हम आधे फंदे इस सिलाई में बिना बुने लेंगे। तो ये इस तरह से आधे फंदे हमने बिना बुने ले लिए हैं, और हम इसको इस तरह से पलटेंगे यहाँ पर, और एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे और एक इस वाली सिलाई से, एक इस सिलाई से। इसी तरह से हम कंधों को बंद करते हैं, एक इससे, एक इससे। पहले हम सारे इस तरह से करके ही एक सिलाई में कर लेते हैं, फिर हम इनको बंद करेंगे। देखिए सब हमारे एक सिलाई में हो गए, अब हम इनको बंद करेंगे। तो देखिए हम 3 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से 3 फंदों को हमने लिया है, ये फंदा वापस से इसमें डालेंगे, फिर से 3 फंदों को एक करेंगे। आप चाहें तो सिंपल, अगर आप बंद करेंगे तो सिंपल भी बंद कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको सी लीजिए। इस तरह से बंद करने से हमारी सिलाई नहीं आएगी, इसलिए हम ऐसे बंद कर रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या आपको इसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप इसको सिंपली बंद कर दीजिए और उसके बाद आप इसको सिल लीजिए। इस तरह से हमने इसको यहां पर बंद कर दिया है। देखिए फ्रेंड ये हमारा सॉक्स यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये इसकी एड़ी और ये इसका यहाँ पर से बन जाए इस तरह से। तो अब हम इसको सिलेंगे इस तरह से, जाली से, जाली को आप इस तरह से टच कर दीजिए
और ये इस तरह से इसको यहाँ पर, तो अब यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको हमें सीते आना है यहाँ पर, बस ये जाली से जाली मिलनी चाहिए कि ऊपर नीचे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमने पूरा इसको सी लिया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल सॉक्स होते हैं ये बच्चों के लिए। तो अब इसमें हम डोरी डालेंगे। देखिए ये हमने डोरी बनाई हुई है, इसमें ये छोटा सा पॉम पॉम भी लगाया है। इधर अभी नहीं लगाया है पॉम पॉम, क्योंकि अभी हमें इसे इसमें डालना है। इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए अप डाउन करके। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पर ये डोरी डाल दी है, इधर ये पॉम पॉम है, इधर अभी नहीं है तो इधर हम ये पॉम पॉम लगा देते हैं। डोरी तो सिंपल हमें वैसी बनानी है। इस डोरी की भी वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये छोटा सा पॉम पॉम तो इस तरह से देखिए आप फोर फिंगर पे ये 8 टाइम आप इस तरह से लपेटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम आप इसको लपेटिए। 8 टाइम ही लपेटने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से पकड़ लीजिए। और ये जो हमने यहाँ पर डबल करके इस तरह से इसको बनाया है, फोल्ड किया है, इसको थोड़ा सा खोल लीजिए इस तरह से। यहाँ पे इसका इस तरह से होल बना के इसमें इसको लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे। यहाँ पर और इसको टाइटली यहाँ पर और इसको यहाँ पर टाइटली इस तरह से बांध देंगे ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से आप इसको पहले कट कर दीजिए। तो छोटे छोटे से पॉम पॉम भी लग गए हैं और ये हमारे सॉक्स तैयार है। एक सॉक्स हमारा ये है और एक सॉक्स हमारा ये है। देखिए दोनों सॉक्स बनकर हमारे तैयार है। बहुत इजी मेथड है फ्रेंड, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।